हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मैथ्स वन का ठीक है दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर चैप्टर का नाम क्या है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट शायद मुझे अब तक पहचान चुके रहोगे क्या नाम है मेरा विजय ठीक है विजय सर बोल सकते हो आप लोग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ठीक है स्टार्ट करते बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एंगल क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है एंगल क्या होता है सर बचपन में टीचर ने सिखाया था हमको क्या सिखाया था सर इसी को एंगल बोलते हैं दो लाइन के बीच का रिलेशन देता है वो बराबर इसी को एंगल बोलते हो ना मतलब मतलब इस लाइन से कितने एंगल पे है वही रिलेशन को बोलते हैं ना अपन एंगल मेजरमेंट क्या होता है मेजरमेंट मेजरमेंट फिजिक्स वगैरह कहना हो खाली एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं मेजरमेंट क्या होता है एग्जैक्टली exactly मेजरमेंट क्या होता है इट इज कंपेरिजन विथ स्टैंडर्ड वैल्यू अब बोलोगे सर क्या ही है कंपेरिजन दुकान पे जाते हो दुकान पे शक्कर खरीदते हो कभी दो किलो पहले पहले अभी डिजिटल वाले की बात नहीं करो क्या करता है दुकान वाला एक साइड वेइंग मशीन जो रहता है उसमें एक साइड में टू के का एन वेट रखता है लोहे का बराबर और एक तरफ आपका प्लास्टिक में सुगर डालता है दो किलो जब बैलेंस हो जाता है तो आपका शक्कर हो गया दो किलो एग्जैक्टली exactly किया क्या वो टू के जी सुगर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैंडर्ड टू के जी वेट लोहे का जो दो किलो है वो गुप्ता के दुकान से दुकान से लो चाहे शर्मा के दुकान से लो चाहे किसी और के दुकान से लो दो किलो का वजन जो है वो उतना ही रहने वाला है ना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ये कितना सेंटीमीटर का है कैसे पता चलेगा सर एक स्केल ले लो इधर रख दो ये जो इंटरसेक्ट करेगा मतलब ये ये समझ जाओ आपका स्केल स्केल है ये स्केल पे समझ जाओ सेवन को मैच किया मतलब ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा सेवन सेंटीमीटर का हो जाएगा अब मेरे को बताओ ये स्केल आपका कैमलिन का हो नेटराज का हो चाहे किसी और कंपनी का हो सेम रहता है कि अलग होता है सेम रहता है मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या है ये स्टैंडर्ड तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? हम कंपेयर कर रहे हैं ना उस उस डेटा से कंपेयर कर रहे हैं कंपैरिजन विथ सम स्टैंडर्ड वैल्यू अब यहाँ पे जो मेजरमेंट पढ़ना है वो एंगल को कैसे मेजर करते हैं उसको पढ़ना है एंगल का मेजरमेंट अपने को पढ़ना है बच्चों ठीक है अब उसके पहले उसके पहले आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है बहुत कुछ से मेरा मतलब है आप लोगों को डायरेक्टेड एंगल्स पढ़ना है फिर एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं फिर जीरो एंगल क्या होता है जीरो एंगल क्या होता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है वन रोटेशन एंगल क्या होता है राइट right एंगल क्या होता है सब कुछ पढ़ना धीरे धीरे पढ़ेंगे काय को टेंशन ले आप नहीं इधर चलो सबसे पहला क्या है डायरेक्टेड एंगल डायरेक्टेड एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों जरा ध्यान देना जरा ध्यान देना ये आपका समझ जाओ एक लाइन है ये आपका एक लाइन है और ये एक और लाइन है या फिर मैं ऐसा सोचूं ये आपका जो एंगल है उसका इनिशियल आर्म है क्या है ये इनिशियल आर्म बराबर इसी को थोड़ा एक रोटेट करता हूं यहां पे फिक्स कर दूंगा इसको ना रोटेट करूंगा अगर मैं इसको रोटेट करके यहां पे लाके छोड़ देता हूं इसको मैं अगर रोटेट करके यहां पे लाके छोड़ देता हूं ठीक है और इसको नाम दे दिया समझ जाओ मैंने ओ यहां पे नाम दे दिया ए पहले ये था ना ए और यहां पे नाम दे दिया मैंने बी रोटेट ऐसा किया रोटेट ऐसा किया इनिशियल ये है तो ये रोटेट होने के बाद जो बचा आ गया वो टर्मिनल आम बोलते उसको क्या बोलते उसको टर्मिनल आर्म तो यहां पे डायरेक्टेड एंगल कैसा होता है बच्चों डायरेक्टेड एंगल डायरेक्टेड एंगल इसको इस तरीके से लिखते हैं ध्यान देना इस तरीके से लिखते हैं क्या इसका मतलब इसका मतलब ए पहले लिखा है फिर ओ लिखा है फिर बी लिखा है इसका मतलब इनिशियल आर्म ये रहेगा आपका पहला वाला और बाद वाला क्या रहेगा टर्मिनल आर्म बराबर अब बोलोगे सर अगर एंगल ए ओ भी ऐसा है और इसी चीज में अगर मैं इसको बोल दो कि ये मेरा इनिशियल आर्म है बच्चों, ये मेरा इनिशियल आर्म है इनिशियल आर्म है ये मेरा ओ ये मेरा बी इसको ऐसा रोटेट किया इस चीज को यहां पे फिक्स करके ऐसा रोटेट किया तो ये ऐसा हो जाएगा ऐसा रोटेट किया है हम लोगों ने बराबर तो ये जो अभी दिख रहा है आप लोगों को ये है टर्मिनल आर्म इसका नाम B है इसका नाम ए है इसका नाम क्या आएगा एंगल का जैसे यहां पे ए इनिशियल था और बीओ टर्मिनल था तो यहाँ पे इनिशियल ये हो गया ना तो इसका नाम आएगा एंगल डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए क्या आएगा डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए ठीक है अब इसमें कौन सा एंगल क्लॉकवाइज हो रहा है कौन सा एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बच्चों ध्यान देना ध्यान देना जो भी आपका रिफरेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप ऐसा देख रहे हो तो इसको बोलते एंटी क्लॉक ऐसा देख रहे हो तो इसको बोलते हैं क्लॉक घड़ी चलते हुए देखे हो घड़ी चलते हुए देखे हो शायद नहीं दिख रहा होगा फिर भी सबको पता है घर पे लगी होगी घड़ी कैसे चलती है बच्चों यहां पे ट्वेल्व रहता है यहां पे वन टू थ्री तो घड़ी ऐसा जाता है ना तो घड़ी का जो तो चलने का तरीका है ऐसा है ना तो इसी इसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसके अपोजिट उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसके अपोजिट वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है बच्चों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया जाता है। चीज वापस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है क्यों है बताने वाला हूं आगे, जब पढ़ोगे, इसी, इसी वीडियो में, चलो, आगे बढ़ते समझ जाओ ये मैंने लिखा है यहां पर समझ जाओ ए बोल दिया और यहां पर समझ जाओ बी बोल दिया ठीक है आप रे बना दोगे तो भी चलेगा एसी रखोगे तो भी चलेगा यहां पे भी बोल रहा हूं आप ऐसा ऐसा ये बना दोगे तो भी चलेगा नहीं बनाओगे तो भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है अपना मेन बेसिक काम क्या था इनिशियल आर और टर्मिनल आर्म पता करना और किस तरीके से लिखते हैं वो पता करना मेन फोकस ये था किधर रे बना सकते हो किधर सेगमेंट बना सकते हो किधर लाइन बना सकते हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है अपने जीरो एंगल जीरो एंगल जीरो एंगल मतलब क्या इनिशियल आर और टर्मिनल आर्म दोनों सेम रहेगा एक कंडीशन के साथ कि इनिशियल को हमने रोटेट ही नहीं किया इस इनिशियल को हमने रोटेट ही नहीं किया ये जैसा था इसको वैसे ही छोड़ दिया अगर उसके साथ मैंने एंगल मेजर किया एंगल ए बी या फिर एंगल बी ओ ए या फिर एंगल ए या तो बी ओ बी जितने के जितने एंगल आप बोल सकते हो सबके सब को क्या बोलेंगे हम लोग जीरो एंगल जीरो एंगल बोले तो जीरो डिग्री जीरो एंगल बोले तो जीरो डिग्री क्या बोला मैंने ये जो मेरा इनिशियल आर्म था इसको मैंने रोटेट किया ही नहीं किया ही नहीं उसको उसी के साथ मेजर कर लिया अगर मैंने एंगल तो जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं बच्चों जीरो एंगल अगला है वन रोटेशन एंगल अगला है वन रोटेशन एंगल जरा ध्यान देना कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें जरा ध्यान देना ये मेरा इनिशियल है इनिशियल आर्म थोड़ा सा ध्यान देना ये मेरा इनिशियल आर्म है इसको मैं एक राउंड गोल घुमाया एक राउंड गोल घुमाया और फिर से मैं मेरे को दिखा कि वो खुद उसके ऊपर आ गया ठीक है वो उसी के ऊपर ओवरलैप हो गया वो उसी के ऊपर ओवरलैप हो गया तो ऐसे जो एंगल जो एंगल बना ना उसी को बोलते हैं वन रोटेशन एंगल बोलोगे सर कैसे देखो ना एक बार रोटेट हो रहा है ना एक बार रोटेट हो रहा है तो वन रोटेशन एंगल एक रोटेशन में कितना एंगल होता है एक रोटेशन में 360 डिग्री एंगल होता है एक जीरो एंगल में कितना डिग्री होता है जीरो डिग्री होता है ठीक है समझ गया रहेगा आई थिंक आप लोगों को वन रोटेशन एंगल के बारे में एक कंप्लीट रोटेशन को वन रोटेशन एंगल बोलते हैं अगला कौन है अगला है स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल देखो बच्चों कुछ नहीं है बड़ा सिंपल है ये ये देखो ये आपका इनिशियल आर्म है राइट साइड में आपका इनिशियल आर्म है अगर आप आधा रोटेट किए आधा हाफ रोटेशन किए अगर आपने हाफ रोटेशन किया तो ये आपका टर्मिनल आम बनेगा ये आपका टर्मिनल आम बनेगा तो इसी इसी जो एंगल बना ना उसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जिसको 180 डिग्री बोला जाता है क्या बोला जाता है 180 डिग्री मतलब यहां पे आपको क्या चीज एक चीज का ध्यान देना है इनिशियल आर और टर्मिनल आर्म बोथ विल ऑन सेम लाइन बट देर डायरेक्शन इज अपोजिट टू इच अदर इनिशियल आर्म राइट भागेगा तो टर्मिनल लेफ्ट भागेगा इनिशियल लेफ्ट भागेगा तो मेरा टर्मिनल राइट right भागेगा समझ में आ गया सबको अगला है अगला है मेरा राइट right एंगल अगला क्या है राइट एंगल राइट एंगल क्या होता है एक कंप्लीट रोटेशन का वन फोर्थ हिस्सा एक कंप्लीट रोटेशन बोले तो एक कंप्लीट रोटेशन बोले तो 360 डिग्री इसका वन फोर्थ इसका वन फोर्थ विच इज 90 डिग्री उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल मतलब ये मेरा इनिशियल आर ये मेरा इनिशियल आर और इसी को एक एक कंप्लीट रोटेशन का वन फोर्थ तो ये हो जाएगा मेरा टर्मिनल आर्म तो यहां पे जो एंगल बना यहां पे जो एंगल बना उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग राइट एंगल जीरो एंगल क्या होता है खुद के साथ एंगल बिना रोटेशन के वन रोटेशन क्या होता है उस लाइन का एक कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल 360 डिग्री फिर उसका आधा किया तो स्ट्रेट एंगल बोले तो इनिशियल राइट में तो टर्मिनल आफ लेफ्ट में इनिशियल ऊपर रहा तो टर्मिनल आम नीचे रहेगा अपोजिट रहेगा एक दूसरे को तो 180 डिग्री अगला आ जाएगा राइट एंगल राइट एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाइनटी डिग्री दैट इज 360 का वन फोर अगला है बच्चों एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन किस एंगल को हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड पोजिशन पे है किस एंगल को हम बोलेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड पोजिशन पे है तो जरा ध्यान देना हा ये मेरा x एक्सिस बना लिया समझ जाओ और ये समझ जाओ कि मैंने y एक्सिस बना लिया ये मैंने y एक्सिस बना लिया ठीक है बच्चों, x एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया थोड़ा सा ध्यान देना एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन ऐसे एंगल ऐसे एंगल जिसका जिसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ऐसे एंगल जिनका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और रोटेशन वाला जो पॉइंट होता है जहां पे रोटेट करते हैं जो एंगल की शुरुआत होती है वो ओरिजिन होती है जैसे ये मेरा इनिशियल आर और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा तो ये जो लाइन बनी है ना ये ये जो एंगल बना है ना समझ जाओ मैंने इसको 30 डिग्री बोला एक एग्जांपल के तौर पे 30 डिग्री 35 40 जो भी दिख रहा है आपको 30 डिग्री बोला मैंने एक एग्जांपल तो ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन मतलब इसको नाम दे दिया समझ जाओ ए और इसको नाम दे दिया बी तो एंगल ए ओ बी एक स्टैंडर्ड एंगल है एंगल ए ओ बी एक स्टैंडर्ड एंगल ए देन देन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलू दूसरा एग्जाम्पल बोलू तो इसको बोल दिया समझ जाओ मैंने सी तो एंगल ए ओ सी ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल है ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल है लेकिन 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 एंगल बी ओ सी ये एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है एंगल बी ओ सी भले इसका इनिशियल पॉइंट ये ये वाला पॉइंट जहां पे रोटेट कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट को घुमा के ठीक है वो क्या है ओरिजिन है लेकिन लेकिन इसमें इनिशियल आर्म जो है वो कौन है इनिशियल आर्म इसका इनिशियल आर्म एक्सिस है क्या नहीं है तो एंगल बी ओ सी क्या होगा एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा एंगल बी ओ सी एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है स्टैंडर्ड होने के लिए कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए और ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए वो एंगल ये ये एंगल आपका आएगा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन ठीक है बेसिकली हम लोग जो एंगल्स पढ़ेंगे वो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन ही पढ़ने वाले अब अब एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉकवाइज आते हो बच्चों एक एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल एक देखो समझ जाओ मैंने समझ जाओ मैंने ये लाइन बना लिया और मैंने बोल दिया कि ये थर्टी डिग्री है तो ये जो आपका रिफरेंस कौन सा है आपका रिफरेंस एक्सिस कौन सा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आपने एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ लेके गया इस डायरेक्शन में गए ना तो वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक अगर एंटी क्लॉक है तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो थर्टी डिग्री रहेगा इसका वैल्यू कितना रहेगा थर्टी डिग्री उसी तरीके से उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं नीचे की तरफ एंगल बनाता हूं अगर मैं नीचे की तरफ एंगल बनाता हूं और इसको बोलता हूं कि ये 45 है तो अपना अपना जो एंगल है एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नीचे रोटेट करोगे रोटेट नीचे की तरफ करोगे तो वो क्या आएगा आपका क्लॉकवाइज आएगा और क्लॉकवाइज वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव अगर आप एंगल को अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो आंसर प्लस आता है क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो आंसर माइनस आता है समझ गया एंटी क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक वाइज निगेटिव को टर्मिनल एंगल्स नाम बता रहा है इसका नाम को टर्मिनल क्या को टर्मिनल मतलब 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 देखो बच्चों, देखो को टर्मिनल का देखो बच्चों। ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया थोड़ा ध्यान देना थोड़ा ध्यान देना बच्चों मैं अभी आप लोगों को बोलता हूं ना बच्चे लोग मैं भी आप लोगों को बोलता हूं मुझे एक थर्टी डिग्री की लाइन बना के बताओ पॉजिटिव थर्टी डिग्री कितना पॉजिटिव थर्टी डिग्री चलो बनाते हैं पॉजिटिव थर्टी डिग्री सर पॉजिटिव थर्टी डिग्री ये देखो ये थर्टी ले लो ये थर्टी ले लो और चुपचाप चुपचाप एक लाइन बना लो आप चुपचाप एक लाइन बना लो और बोल दो उसका नाम कि भाई तेरा वैल्यू कितना है थर्टी डिग्री है मतलब मैंने एक एंगल कितना बनाया बच्चों थर्टी डिग्री बनाया अब एक और एंगल बोलता हूं आपको अब एक और एंगल बोलता हूं थ्री डिग्री बनाओ कितना थ्री डिग्री बनाओ बनाओ थ्री कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा किधर है इधर ब्लू बना दो चलो कैसे बनेगा थ्री ना ये ये 90 वन एटी 90, वन एटी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी थ्री नाइन्टी कितना बोला आपको थ्री नाइन्टी बनाने को बोला है तो थ्री नाइन्टी पहुंचने में थ्री सिक्सटी पहुंचाऊ और कितना आगे बढ़ूंगा सर थर्टी बढ़ो आगे सर थर्टी बढ़ो चलो बढ़ गया तो ये जो एंगल बनाया है मैंने वो एंगल आई थिंक थ्री नाइन्टी है तो जब थर्टी बढ़ा तो क्या मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले से जो एंगल बना हुआ था पहले से पहले से जो एंगल बना हुआ था उसी लाइन के ऊपर मेरा अभी वापस आ गया पहले से जो थर्टी बना था उसी के ऊपर मेरा बन गया उसी के ऊपर बनना मतलब दोनों का टर्मिनल सेम है पहले का टर्मिनल ये था ग्रीन वाला दूसरे का जब बनाया तो पता चला उसी के ऊपर आ रहा है उसी के ऊपर आना मतलब दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है इसीलिए को टर्मिनल सेम टर्मिनल दोनों का टर्मिनल आम सेम है तो ऐसे जो एंगल है ना ऐसे जो एंगल है ना उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को टर्मिनल एंगल्स क्या बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स समझा तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है क्या ध्यान देना है कि जो भी एंगल्स है ना जो भी एंगल उनके बीच का डिफरेंस जो रहेगा जो भी आपका एंगल रहेगा उनके बीच का डिफरेंस अगर 360 या 360 का इंटीजर मल्टीपल आया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आया तो ऐसे एंगल्स जो रहेंगे ना वो को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे जैसे यहां पे अगर मेरे को क्वेश्चन होता कि चेक वेदर 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स और नॉट तो कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको ये इसी कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे सॉल्व किया जाता है देखो सबसे पहले जो बड़ा एंगल है उसको बोल दो तो थीटा वन तो लेट थीटा वन इज इक्वल टू थ्री डिग्री जो छोटा एंगल है उसको बोल दे थीटा टू उसको बोल दिया मैंने 30 डिग्री दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा 390 नाइनटी माइनस थर्टी विच इज 360 डिग्री 360 डिग्री एक इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है अगर दोनों एंगल का बीच का डिफरेंस 360 का मल्टीपल होता है देयर फोर गिवेन पेयर ऑफ एंगल्स दैट इज एंगल द गिवेन पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल गिवेन पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल समझ गया बच्चों आगे बढ़े इसी का इसी का और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं अभी जो हम लोग देखे थे उसी में अगर मैं बोलता हूं बच्चों एक है समझ जाओ एक है समझ जाओ 60 डिग्री और आपका एक एंगल है समझ जाओ 330 डिग्री ठीक है तो यहां पे भी सेम तरीका सेम तरीका सबसे पहले क्या बोलोगे लेट थीटा वन इज इक्वल टू थ्री थर्टी डिग्री थीटा टू इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री दोनों के बीच का डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू थ्री थर्टी माइनस सिक्सटी दैट विल बी टू सेवेंटी 270 जो है वो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट को टर्मिनल द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल अब इसको अगर ग्राफिकली एक्सिस पे बना के बताना है एक्सिस पे बना के बताना है तो, तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा जरा ध्यान देना पहले थर्टी डिग्री की एक लाइन बनाओ पहले क्या बनाओगे सॉरी सिक्सटी डिग्री और थ्री थर्टी ना तो पहले सिक्सटी डिग्री की एक लाइन बना लो क्या बना लो पहले सिक्सटी डिग्री की एक लाइन तो ये देखो ये मेरा सिक्सटी डिग्री की एक लाइन बना, बना फिर थ्री थर्टी थ्री थर्टी कैसे बनाऊंगा थ्री थर्टी कैसे बनाऊंगा ये ये वन एटी फिर टू सेवेंटी और आगे सिक्सटी बढ़ूंगा शायद से तो ये जो लाइन बनेगी ये मेरा कितने एंगल की बनेगी थ्री थर्टी की बनेगी दोनों पॉजिटिव था इसलिए मैंने एंटी क्लॉक दोनों को मेजर किया क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए को टर्मिनल आया नहीं आया इसीलिए थ्री का मल्टीपल भी नहीं आया ठीक है एक, एक और क्वेश्चन देख लो एक और क्वेश्चन देख लो सिक्स नाइनटी थीटा वन बोल दिया मैंने थीटा वन बोल दिया सिक्स नाइनटी और थीटा टू बोल दिया मैंने माइनस थर्टी डिग्री तो यहां पे भी डिफरेंस देखो बड़ा सिक्स है छोटा माइनस थर्टी है तो अगर मैंने बीच का डिफरेंस निकाला तो ये क्या आ जाएगा सिक्स नाइनटी माइनस ऑफ माइनस थर्टी एड कर दूंगा तो दिस विल बिकम सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी मतलब कितना सेवन ट्वेंटी मतलब टू इंटू थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी मतलब 2 into 360. Integral multiple of 360 आया। इसका मतलब जो मेरा definition है, उसके हिसाब से गिवन पेयर ऑफ एंगल्स एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स ये तो मैंने एनालिटिकल मेथड बता दिया अब इसको अगर मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है ग्राफिकल से एक्सप्लेन करना है या सॉल्व करना है तो क्या आएगा बच्चों जरा ध्यान देना ये मेरा X -axis और ये मेरा मेरा और है plus है मतलब anti -clockwise. Anti -clockwise बनाना चालू करो ये देखो ये कितना आ गया ये थ्री सिक्सटी आ गया फिर और सिक्स और नाइनटी एड करो फोर फिफ्टी हो जाएगा और नाइनटी एड करो फाइव फोर्टी हो जाएगा और 90 ऐड करो सिक्स थर्टी हो जाएगा बराबर ना और 90 ऐड किया फोर फिफ्टी फाइव फोर्टी सिक्स थर्टी और 90 तो 720 ट्वेंटी ट्वेंटी तक नहीं जाना है सिक्स थर्टी तक हो गया सिक्स जाना है तो और सिक्सटी लगेगा और सिक्सटी लगेगा और सिक्सटी लगेगा तो ये हो गया मेरा 690 डिग्री बराबर आगे बढ़ेंगे अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो माइनस थर्टी माइनस थर्टी माइनस बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉक वाइज थर्टी ये सिक्सटी ये था तो ये कितना आएगा थर्टी आएगा ना देखे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया क्यों किया क्योंकि थ्री सिक्सटी का मल्टीपल है इसलिए किया यही चीज तो मैं अब तक सिखा रहा था समझ गया बच्चों आगे बढ़े आगे बढ़ जाते हैं हो गया आपका को का कंसेप्ट हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप को टर्मिनल वाला खुद से कर सकते हो अब आ जाते थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लेते हैं क्वाड्रेंटल एंगल क्या क्या होता है? क्या होता है है एंगल्स इन क्वाड्रेंट ये सब का सब भी हम लोग पढ़ लेते हैं वीडियो मजा आ रहा होगा सब समझ में आ रहा होगा तो लाइक करने से खुद को रोको मत बच्चों कमेंट करने का मन किया तो कमेंट भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ो ये हो जाएगा जीरो हो गया एक्स ये हो जाएगा आपका वाई ये हो जाएगा वाई ये आपका बोल सकते हो निगेटिव एक्स एक्सिस और ये बोल सकते हो निगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों यहां पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट होता है यहां पे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट बचपन में पढ़े हो इधर पे कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस कॉमा प्लस मतलब एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है यहाँ पे क्या होता है एक्स माइनस होता है वाई प्लस होता है यहाँ पे क्या होता है एक्स निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है और यहां पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज डायरेक्शन को माइनस लिया जाता है और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को प्लस लिया जाता है अब रही बात एंगल्स इन क्वाड्रेंट की बात एंगल्स इन क्वाड्रेंट की बात और क्वाड्रेंटल एंगल की बात तो क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है बच्चों पता है क्वाड्रेंटल एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल निगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल और निगेटिव एक्सिस का एंगल जो भी एंगल इनका बनता है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दोज एंगल्स आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल बोला बोला मैंने मैंने जो बोला, वो क्या था मैंने ये बोला कि ये जो एक्स एक्सिस है ना इससे ये, ये कितना बना रहा है ये कितना बना रहा है ये कितना बना रहा है वो खुद कितना बना रहा है इन्हीं एंगल को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल जो ऐसे एंगल जो दो क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हों उन्हीं को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल जैसे 90 डिग्री 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल 180 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल 270 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल 360 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल 450 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल इसी चीज को अगर आप बचपन में स्कूल सेक्शन में इस तरीके से पढ़े हो कि 90 का मल्टीपल अगर होगा वैसे एंगल को क्वाड्रेंटल बोलते हैं तो वही चीज मैंने भी यहां पे सिखाया ग्राफिकल मेथड से और कुछ नहीं अब एंगल्स इन क्वाड्रेंट अगर बोल दिया एंगल्स इन क्वाड्रेंट जैसे आपको बोल दिया कि पता करो वन डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है पता करो कि 125 कौन से क्वाड्रेंट में तो कैसे बनाओगे ये आ जाओगे x एक्सिस y एक्सिस बना दोगे 125 डिग्री की कोशिश करोगे बनाने की बनाएंगे ये हो गया 90 और कितना आगे आऊ 35 35 आगे आया ये जो एंगल बना ये कौन से क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाने का और लिखने का कि 125 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया आपका आंसर अगर आपको अगर आपको बच्चों अगर आप लोगों को ऐसा बोल दिया कि माइनस फोर फाइव डिग्री बनाओ और पता करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है पता करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में तो कैसे बनाओगे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे ओरिजिन वगैरह लिख लेना ठीक है 495 माइनस के साथ है माइनस बोले तो क्लॉकवाइज 495 ये ये कितना हो गया 360 हो गया और आगे बढ़ूंगा अगर मैं 90 तो 450 हो जाएगा 450 में अगर कितना ऐड करूंगा 450 में 45 देख लो 45 ना तो 45 आगे ऐड बढ़ूंगा ये 45 बना दिया बन गया कितना बना ये कितना बना माइनस फोर डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट मैं बोल दूंगा कि माइनस फोर डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और हमारा क्वाड्रेंटल एंगल angle और एंगल्स इन क्वाड्रेंट का भी कंसेप्ट खत्म हो गया अब तक हमने अब तक हमने मेजर मेजर करने वाला चीज नहीं पढ़ा है कि एंगल को मेजर किन किन तरीके से करते हैं तो चलो वो भी पढ़ लेते हैं बच्चों तो मेजर्स ऑफ एंगल्स स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ एंगल्स मतलब जैसे 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 डिस्टेंस बोल दिया या लेंथ बोल दिया डिस्टेंस को मेजर करने का कितना यूनिट है बच्चों बहुत सारा है ना माइल्स है किलोमीटर है मीटर है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है बराबर ना और पता नहीं कितना मीटर है बहुत सारा है बराबर वैसे अगर वेट मेजर करना है किलोग्राम है ग्राम्स है मिलीग्राम है उसमें भी पता नहीं और कितना हो जाएगा फिर ये एंगल क्या बोलता है भाई मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों मेरे को क्यों अब तक तुम लोग खाली डिग्री डिग्री कर रहे हो मेरा भी तो कुछ हो सकता है ना बराबर तो एंगल को हम लोग बोलते हैं हाँ भाई तेरा भी कुछ तो हो सकता है तेरे को भी अलग अलग तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं बच्चों आपने अब तक खाली पढ़ा है डिग्री और अब से डिग्री तो पढ़े ही हो अब से आप लोग रेडियन पढ़ने वाले हो क्या पढ़ने वाले हो रेडियन तो बेसिकली एंगल को मेजर करने का आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दो तरीका दिया हुआ है एक है सेक्जा जेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम एक और होता है लेकिन वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो वो नहीं बता रहा हूं मैं वो फ्रेंच वाला है सेंटिसिमल करके ठीक है तो सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम अब सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो है आपका डिग्री क्या है वो डिग्री मेजर होता है और सर्कुलर सिस्टम जो है वो है आपका रेडियन मेजर पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर अब बोलोगे सर सेक्जा जैसीमल सिस्टम आता है डिग्री हमको आता है बच्चों दो मिनट का टाइम दे दो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है सेक्जा जैसीमल सिस्टम क्या होता है बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन वन डिग्री डिफाइन वन डिग्री बहुत लोग बहुत लोग शांत बैठ गए होंगे नहीं क्लिक हुआ रहेगा सर हमको पता है वो जो प्रोटेक्टर में छोटू सा रहता है ना छोटू सा ये वन डिग्री रहता है लेकिन डिफाइन कैसे करें कैसे बताए आपको कि ये वन डिग्री होगा तो मैं बताओ बच्चों मतलब जब भी बनाया गया था ना जब भी बनाया गया था ना ये डिग्री तो मैथमेटिशियन लोग पता है क्या बनाए थे एक एक तो सर्कल था एक सर्कल था ठीक है उसका ये सेंटर था इस सेंटर से ना वो लोग इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किए बताए थ्री सिक्सटी पार्ट में डिवाइड किए इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किए 360 पार्ट में डिवाइड किए ठीक है।, है थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है वैसे छोटू छोटू सा बनाए थे तो वो जो 360 पार्ट में एक पार्ट था ना वो जो 360 पार्ट में एक पार्ट था उसी को उसी को नाम दे दिया गया वन डिग्री मतलब वन डिग्री क्या होता है वन डिग्री इज वन अपॉन थ्री सिक्सटियत वन अपॉन थ्री सिक्सटियत पार्ट ऑफ वन रोटेशन एंगल ठीक है उसको मैंने एक डिग्री बोल दिया तो अगर वो एक डिग्री है तो पूरा कितना है 360 तो 360 टाइम्स ऑफ दैट वन डिग्री इसलिए सर्कल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो इसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसा ही बोल सकते हो वन अपॉन नाइनटीएथ पार्ट ऑफ वन अपॉन नाइनटीए पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ठीक है ये होता है आपका वन डिग्री अब अब कैसा है कैसा है ये, ये जो एंगल है ना उसको अभी भी रहा नहीं जा रहा था एंगल क्या बोल रहा था मीटर से काम चल रहा था ना मीटर से काम चल रहा था अगर तो काय के लिए तुम लोग सेंटीमीटर और मिलीमीटर निकाले क्यों निकाले मीटर से काम चल रहा था सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यों निकाले हम लोगों ने इसलिए निकाले कि सर बहुत छोटा छोटा लोगों को मीटर में या किलोमीटर में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा तो डिग्री बोलता है अगर मैं छोटा हुआ तो डिग्री क्या बोला अगर मैं छोटा हुआ तो क्या फिर अपने को डिग्री के बारे में फिर उसका दिमाग उसका दिल रखने के लिए उसका दिल रखने के लिए हमको मिनट और सेकेंड भी बनाना पड़ा मिनट और सेकेंड भी क्या होता है मिनट सेकेंड जरा ध्यान देना जरा ध्यान देना मिनट और सेकेंड के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ क्या बता रहा हूं और कैसे बता रहा हूं जरा ध्यान देना एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरा वन डिग्री है एक एग्जाम्पल के तौर पे, वन डिग्री से ज्यादा दिख रहा होगा तो भी चलेगा थोड़ा टाइम के लिए इमेजिन कर लो थोड़ी मेहरबानी कर लो कि ये कितना है वन डिग्री है अब एक काम करो स्क्रीन रोको और स्क्रीन मतलब वीडियो रोको और स्क्रीन लो एक एग्जाम्पल ठीक है समझो रोको मत हकीकत अकिक, में अगर मैंने इसका स्क्रीन लिया इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इतने पार्ट को जूम किया ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्क्रीनशॉट लिया और इतने से पार्ट को जूम किया अगर जूम किया अगर मैं जूम किया तो मुझे कैसा दिखेगा मुझे यही चीज ऐसी दिखने लगेगी टैबलेट पे सोच लो इमेजिन करोगे उसको जूम करोगे उसको जूम करोगे बच्चों तो ऐसी दिखेगी अब जो ऐसा दिखा ना मतलब ये वन डिग्री है इसी चीज को बोल रहा हूं मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ठीक है कितना भी जूम करो ये चीज फैलेगी ऐसा दिखेगा नहीं लेकिन यहां पे मैं डिवाइड करना आपको सिखा नहीं पाऊंगा इसलिए ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा हुआ ठीक है काम करो ऐसा यहां पे छोड़ दो क्या है अब ये जो एंगल दिख रहा है ना ये जो एंगल दिख रहा है ठीक है ये किसी किसी भी तरीके से वन डिग्री नहीं हो सकता ठीक है समझे खाली मैं एक तरीका बता रहा हूं कि ये जो छोटू सा है ना काम करो ये ये जो छोटू सा है ना उस वाले पोर्शन को खाली देखने की कोशिश करो यहां पे कहां मिल रहा है उससे मतलब है अब और हो सकता है अब इसको अगर सोचने की कोशिश की कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट समझ जाओ यहां पे आ गया इसको अगर मैं समझने की कोशिश किया और, और इसको मैं थ्री सिक्स सॉरी सिक्सटी पार्ट में डिवाइड किया कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों सिक्सटी पार्ट में मतलब अगर मैंने अगर मैंने एक डिग्री को सिक्सटी पार्ट में डिवाइड किया एक डिग्री को सिक्सटी पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम रख दिया मिनट तो एक डिग्री किसके बराबर होता है सिक्सटी मिनट के बराबर होता है डैश मतलब मिनट डैश मतलब मिनट घड़ी वाला मिनट और ये मिनट में कुछ लेना देना नहीं है खाली वो 60 डिवीजन था इसलिए मिनट नाम रखा अब क्या किए ये जो छोटू सा पार्ट है ये जो छोटू सा पार्ट है ये 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 दोनों के बीच का ये जो एक मिनट है उसको भी जूम किया उसको भी जूम किया फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट का नाम अगर मैंने एक पार्ट का अगर मैंने नाम रख दिया सेकेंड तो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होता है वही चीज वहां पे लिखा मतलब एक डिग्री में मतलब बच्चों एक डिग्री में एक डिग्री में क्या होगा एक डिग्री में क्या होगा सिक्सटी मिनट होगा और एक मिनट में क्या होगा सिक्सटी सेकेंड होगा ठीक है इसपे इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी सिंपल रहता है ऐसा कुछ नहीं ऐसा बोला है क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि कि 32 डिग्री या फिर 32.21 डिग्री को डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म में लिखो डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म मतलब uh, 51 डिग्री 35 मिनट 43 सेकंड सेकेंड ऐसा ऐसा लिखने के लिए बोला है तो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 32 डिग्री प्लस 0.21 डिग्री अगर आपको पूछो कि परेशान कौन कर रहा है पहला बंदा कि दूसरा बंदा बोलोगे सर पहला बंदा तो कितना अच्छा बच्चा है बिना पॉइंट वगैरह का है तो इसको कुछ मत करो इसको वैसे ही रखो दूसरा बच्चा थोड़ा टेढ़ा है पॉइंट में तो थोड़ा टेढ़ा है तो चलो उसको सीधा करते हैं मतलब अगर 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 वन डिग्री सिक्सटी मिनट होता है तो जीरो पॉइंट टू वन डिग्री क्या आएगा उसी को सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके मिनट लगा देंगे तो ये हो जाएगा थर्टी टू डिग्री प्लस जीरो मल्टीप्लाई हो तो जीरो सिक्स इंटू वन सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व पीछे से दो पॉइंट पे डेसिमल ठीक है इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा थर्टी टू डिग्री प्लस ट्वेल्व मिनट प्लस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो मतलब जीरो पॉइंट सिक्स मिनट ये दोनों प्रॉब्लम नहीं दे रहा अब ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा थर्टी टू डिग्री ये आ जाएगा ट्वेल्व मिनट अब जीरो पॉइंट सिक्स मिनट को क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा डबल डैश लिखूंगा तो ये हो जाएगा थर्टी टू थर्टी टू डिग्री प्लस ट्वेल्व पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल दे दिया तो ये हो जाएगा थर्टी टू डिग्री प्लस ट्वेल्व मिनट प्लस थर्टी सिक्स सेकेंड इस चीज को अगर मैं बिना प्लस साइन के ये तरीके से एंगल लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा

सिस्टम में पढ़ने वाले हो क्या नाम है उसका सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन मेजर रेडियन मेजर रेडियन में मेजरमेंट करते हैं रेडियन में मेजरमेंट करते हैं रेडियन का सिंबल है पावर में सी जैसे वहां पे पावर में जीरो जैसा रहता था ना वैसे पावर में सी है ठीक है तो वन जैसे वन डिग्री वहां पे एक्सप्लेन किया था तो यहां पे वन रेडियन क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूं जरा अच्छे से ध्यान देना अच्छे से ध्यान देना देखो ये मैंने एक सर्कल बना दिया ठीक है अभी आपके सामने बनाया देखो मस्त एकदम इसको नाम दे दिया मैंने ओ इसको नाम दे दिया मैंने बी एक और रेडियस बना रहा हूं एक और रेडियस बना रहा हूं ठीक है सेम कलर यूज कर लो सेम कलर यूज कर लेता हूं ये आ जाएगा कुछ ऐसा और इसको इसको बोल देता हूं बी ओ ए रेडियस है आर ओबी रेडियस है आर अगर ध्यान देना वन रेडियन एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर ए बी का लेंथ अगर ए बी का लेंथ दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये रेडियस के लेंथ के इक्वल हुआ रेडियस के इक्वल हुआ तो इसका मतलब इसका मतलब ये जो बीच में एंगल बना है ना ये जो बीच में एंगल बना है ये पता है कौन होगा ये आपका वन रेडियन होगा वन रेडियन का डेफिनेशन क्या है इट इज सेंटर बाय एन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बोला मैंने ऐसा आर्क जिसका लेंथ रेडियस के इक्वल होगा वो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है उसी को बोलते हैं हम लोग वन रेडियन क्या बोलते हैं उसको वन रेडियन अब बोलोगे सर रेडियन और डिग्री दोनों एंगल का ही मेजर करते हैं एंगल को ही मेजर करते हैं एंगल का ही मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं तो दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा तो रिलेशन सिखाओ रिलेशन सिखाऊंगा सिखा। पहला चीज दूसरा चीज टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया है कि ये प्रूफ करो कि ये जो वन रेडियन है ना ये वन रेडियन की वैल्यू फिक्स्ड है कांस्टेंट है वो रेडियस टू रेडियस चेंज नहीं होता है मतलब ये हर सल, सरक, हर सर्कल के लिए अलग नहीं होगा ये हर सर्कल के लिए जैसे वन डिग्री फिक्स है ना कितना बड़ा भी आप फिगर बना लो वन डिग्री की वैल्यू सेम होने वाले उसी तरीके से वन रेडियन भी सेम होगा ये प्रूफ करना है आपको थ्योरम में कैसे करेंगे जरा ध्यान देना कैसे करेंगे ध्यान देना चाहिए रहेगा तो दोबारा फिगर बना सकते हैं नहीं तो एक काम करो इसी में ना इसी में बना लो क्या करने जा रहा हूं जरा ध्यान दो इसी को आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं और इसको नाम दे देता हूं सी क्या नाम दे देता हूं उसको बच्चों सी ठीक है ध्यान दो हमको पता है हमको पता है कि एंगल जो है वो उसके जो जो आर्ग उसको सब्टेंड करता है उसको प्रोपोर्शनल होता है टेंथ में पढ़े हुई ये चीज टेंथ में ये चीज पढ़े क्या कि एंगल जो है वो उसके सामने वाले आर्क को प्रोपोर्शनल होता है मतलब मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी अपॉन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ आर्क ओ बी के सामने वाला आर कौन है ए बी है और ए सी के सामने वाला आर कौन है ए बी सी है लेंथ ऑफ आर्क ए सी ध्यान देना बच्चों ध्यान देना मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एज इट इज रखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी सी ए ये पूरा ये पूरा कितना आएगा आएगा ये पूरा आई थिंक वन डिग्री स्ट्रेट एंगल है ना तो वन डिग्री आया दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ले बी मैंने डिफाइन यही किया है ना कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या रहेगा रेडियस के इक्वल होगा और आर्क ए सी आर ए सी बोलो चाहे ए बी सी बोलो ए बी सी बोलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ऊपर वाला आएगा वो समझेगा तो arc AC कौन है आर के बी सी कौन है आर के सी आई थिंक सरकमेंस का आधा है सरकम सेमी सर्कल वाला है ना ये सरकमफरेंस का आधा सरकमफरेंस का आधा विच इज हाफ ऑफ टू पाई आर हाफ ऑफ टू पाई आर आई थिंक आई थिंक ये टू और ये टू कैंसिल हो गया जो बच गया उसको लिख लेते बच्चों तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आई थिंक आर और आर भी कट हो रहा है देखो आर और आर भी कट हो रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी क्या बचेगा 180 डिग्री उधर गया तो 180 डिग्री अपॉन पाए बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन आई थिंक मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी इज नथिंग बट योर वन रेडियन तो मेरा वन रेडियन आ जाएगा 180 डिग्री वन एटी डिग्री अपॉन पाए रेडियन क्या आ जाएगा वन एटी डिग्री अपॉन पाए थोड़ा अच्छे से लिख दे इसको अच्छे से कैसे पता है हा देखो वन रेडियन क्या आ जाएगा वन एटी डिग्री अपॉन पाए आ जाएगा बराबर लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो बराबर से दिख नहीं रहा है इतने पे ही इसको सजा देते ठीक है अभी देखो अभी देखो क्या हो जाएगा ये कैसे सॉल्व करेंगे आगे वन रेडियन आया ना थ्योरम क्या था वन रेडियन कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा वन एटी हमेशा वन एटी रहेगा वो ऊपर नीचे नहीं होता है पाए थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर या ट्वेंटी टू सेवन जो भी है वो भी हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट हो गया आंसर समझ गया आई थिंक सभी लोगों को समझा ये वन रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री होता है अगर मैं यहाँ पे वन डिग्री छोड़ू ये वन कैसे मिलेगा पाए को इधर भगाऊंगा वन को अपॉन में भेजूंगा पाए न्यूमरेटर में आएगा 180 एटी डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या आएगा मेरे पास क्या आएगा मेरे पास बच्चों मेरे पास आ जाएगा आई थिंक पाए उधर गया तो पाए रेडियन और 180 में आ जाएगा तो 180. कौन बचेगा? वन डिग्री बचेगा मतलब वन डिग्री किसके इक्वल होता है पाए अपॉन वन एटी रेडियन के इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बच्चों पाए अपॉन वन एटी रेडियन के इक्वल होता है समझ गया अब बस इसी चीज को इसी चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है और अगले पेज पे देखना है क्या लिख रहा हूं मैं अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है और अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है तो क्या करना पड़ता है बस ये सीख लेते हैं और ये वीडियो यहां पे खत्म करेंगे हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज में जाके पढ़ेंगे लेक्चर वन में पढ़ेंगे डिग्री से रेडियन ध्यान देना डिग्री से रेडियन पाए अपन एटी था इसका मतलब अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है तो मुझे पाया अपॉन वन एटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी हिसाब से रेडियन से डिग्री जाना है मुझे तो 180 एटी अपॉन पाए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 एटी अपॉन से मल्टीप्लाई करेंगे दो दो एग्जांपल देख लेते फटाफट दो दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला चीज बाय नहीं डिग्री से रेडियन में जाना है ना पाई बाय टू यहां आएगा पाई बाय टू रेडियन यहां पे कौन है यहां पे समझ जाओ मैं थर्टी डिग्री बोल दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे थर्टी डिग्री को रेडियन में थर्टी इंटू पाई बाय एटी रेडियन जीरो जीरो कैंसिल जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा थ्री और वन एटीन कटो के सिक्स मिलेगा तो मेरे को आंसर क्या आएगा मुझे आंसर आएगा पाए बाय सिक्स रेडियन हो गया मेरा आंसर इतो सा काम है बस दूसरा दूसरा माइनस वन एटी डिग्री क्या हो जाएगा ये माइनस वन एटी माइनस वन एटी एन टू पाए बाय वन एटी रेडियन 180, 180, क्या बचा माइनस पाए रेडियन बचा समझ गया आगे एक्सरसाइज में करने वाले ये फिर से. पाए बाय टू रेडियन पाई बाय टू टेन टू वन एटी अपॉन पाए डिग्री पाए और पाए पाए और पाए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टू और वन एटी कैंसल होके नाइनटी आएगा मतलब मतलब आपको इसका आंसर क्या आ गया 90 डिग्री आ गया समझे लास्ट लास्ट टू बाय बाय थ्री रेडियन तो ये कितना हो जाएगा टू पाई बाय थ्री टेन टू वन एटी अपॉन पाए डिग्री पाए पाए कट हो जाएगा पाई पाए कैंसिल हो जाएगा थ्री और ये कट हो गए सिक्सटी बराबर ना टू इंटू सिक्सटी टू इंटू ट्वेंटी डिग्री आई होप सभी लोगों को हंड्रेड परसेंट समझा होगा चीजें इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश करता हूं बच्चों पूरी फील देने की कोशिश करता हूं कि आप ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हो उसी तरीके से हर एक स्टेप बताते हुए अगला स्टेप क्या करेंगे ये सोचने पे मजबूर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है एक चीज याद रखना सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अपना टीचिंग नहीं होने वाला है सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ नहीं एम एस टी सी टी के भी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते रहेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे अपना काम चलते रहेगा के के साथ इसी के साथ वापस आपको बताना चाह रहा हूं कि नोटबुक और पेन नोटबुक और पेन लेके सॉल्व करो जो भी क्वेश्चन कराता है जैसे क्वेश्चन नंबर वन में फाइव सब क्वेश्चन है दो क्वेश्चन देखो वीडियो बाकी तीन गुस्से करो और क्रॉस चेक करो